अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं अलनादा मोटर्स पर। अलनादा मोटर्स पर आए हैं और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो सोचा क्यों ना यहाँ पर एक छोटी सी हम वीडियो शूट कर लें कि इनके पास क्या क्या खड़ा हुआ है माल में ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अल्टिस है 2022 मॉडल की। अच्छा, इसके अंदर सनरूफ है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली सनरूफ आता है गारंटी के अंदर, लेकिन मसले ये कि लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ी है और ये अल्टिस है 1.6 और इसके अंदर सनरूफ भी आया। अच्छा, गाड़ी जो है चली हुई है सिर्फ 55 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली हुई है। और गाड़ी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिर्फ 55 किलोमीटर जो है गाड़ी चली हुई है और गाड़ी पूरी ब्रांड न्यू गाड़ी है। कोई पीस टचअप वचअप नहीं है गाड़ी का, हर चीज़ से ओके है गाड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह से कंडीशन, सनरूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ी है, 1.6 गाड़ी है और 1.6X जो आ रही है, 2022 मॉडल है, 23 का नंबर लगेगा। तो जाहिर सी बात है 2023 में वीडियो शूट हो रही है और नंबर अभी तक लगा नहीं है, तो अब नया नंबर जो लगेगा 2023 जो है का नंबर लगेगा गाड़ी के अंदर। दूसरा ये है कि मैं, अच्छा प्राइस जो है मैं आपको नहीं बता रहा, किसी भी भाई को रब्ता करना हो तो वीडियो अपना कॉल करके वो रेट जो है मुझसे मालूम कर सकते हैं। दूसरा ये 2018 मॉडल की सिविक देख सकते हैं आप। अच्छा, इस सिविक के अंदर दो पीस टचअप हैं और बाकी आप गाड़ी देख सकते हैं, दो पीस टचअप है, बाकी हर चीज़ ओके गाड़ी की। अच्छा, एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर गाड़ी के अंदर कुछ काम वाम हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, गाड़ी चली हुई कम है ये आपको दिखा देते हैं। बाकी जो है गाड़ी के अंदर इन्होंने बैक पे भी आप देख सकते हैं जो है LED लगाई हुई है पीछे, आगे से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं बैक पे भी LED लगाई हुई है और पैसेंजर के लिए, बाकी गाड़ी आप अंदर से देख सकते हैं साफ सुथरी, एक्सीडेंट वगैरह कहीं से नहीं है, दो पीस माइनर से टचअप है। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे। गाड़ी है हमारे पास खड़ी हुई है टोयोटा वालों की हैरियर, हैरियर गाड़ी है। इस गाड़ी ये 2014 मॉडल है और 2019 का जो है इस पर गाड़ी पे नंबर लगा हुआ है। अगर लग्जरी गाड़ी की बात करते हैं, लग्जरी गाड़ी के अंदर बेस्ट ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। अच्छा, आप लोगों देख के इसका ऐसा लगेगा शायद ये जैगवार खड़ी हुई है, लेकिन जैगवार नहीं है, ये है हैरियर टोयोटा वालों की गाड़ी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक वाइज, और 2014 मॉडल है, 2019 का नंबर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से साफ सुथरी है, कहीं से लगी पिटी नहीं है गाड़ी, और गाड़ी पूरी जेन्युइन हालत पर है, कोई पीस इस गाड़ी का टचअप वगैरह नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर से दिखा दूँ, सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ आता है इसके अंदर, देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा बड़ा सनरूफ है। तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, हमारे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है सुजुकी वालों की न्यू, जो स्विफ्ट आई है पाकिस्तानी, ये वो गाड़ी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। साफ सुथरी गाड़ी है, नंबर नहीं लगा हुआ, 2022 मॉडल है, 22 तो 23 में जाहिर सा नंबर लगेगा। गाड़ी अंदर से दिखा देते हैं एक नज़र आपको, यह गाड़ी जो है पुश स्टार्ट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी है। नंबर वगैरह नहीं लगा हुआ है, गाड़ी पूरी जो है जेन्युइन है, और अलॉय रिम वगैरह देख सकते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत गाड़ी है। ये पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती है, और अच्छा पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूँ, अक्सर ये गाड़ियाँ जैपनीज भी आती हैं स्विफ्ट, तो ये पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती है गाड़ी। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी साफ सुथरी गाड़ी है। अच्छा, गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकें तो होंडा विजन भी खड़ी हुई है, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जो गाड़ियाँ मुझे पता है इलिम में है, मैं सिर्फ वो गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक विट्स खड़ी हुई है और एक आगे भी विट्स खड़ी हुई है। अच्छा, किया स्पोर्टेज खड़ी हुई है हमारे पास 2022 मॉडल की, लेकिन ये सिर्फ फ्रंट व्हील गाड़ी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किया स्पोर्टेज की, ब्लैक कलर में गाड़ी है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है। अच्छा, वैसे कोई फ़र्क नहीं आया गाड़ी के अंदर, जो पुराने मॉडल हैं सेम गाड़ियाँ हैं, ना लाइटों में कोई इतना खास फर्क है कोई, चाहे वो बैक लाइट हों हेड लाइट हों, सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़र्क है ना वो ये है, किया वालों को भी पता चल गया है पाकिस्तानी आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, तो सो किया वाले भी बना रहे हैं जैसे और दूसरी कंपनियां बना रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर देख सकते हैं आप, सिर्फ से अलॉय रिंग जो है ना वो चेंज है, बाकी गाड़ी जो है सेम वही है, सेम फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर जो पहले थे। फ्रंट व्हील गाड़ी है, अंदर से देख सकते हैं 2022 मॉडल है,
22 का ही नंबर लगा हुआ है गाड़ी पे। अच्छा ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुई भी है तो देख सकते हैं अंदर से साफ सुथरी गाड़ी है। गाड़ी चली हुई है 3,929 किलोमीटर, सिर्फ 4,000 लगा लें, 4,000 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चल चुकी है। बाकी आपके सामने गाड़ी और 2022 मॉडल है, 22 का ही नंबर लगा हुआ है। अच्छा हमारे पास खड़ा हुआ है वीवो रोको खड़ा हुआ है और ये 21 मॉडल है, 22 का नंबर लगा हुआ है। ये गाड़ी भी देख सकते हैं, मैं शुक्र है ये ब्लैक नहीं है, वाइट कलर में है। तो ब्लैक क्यों नहीं है वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल 00 गाड़ी है, 21 मॉडल है, 22 का नंबर लगा हुआ है इस पर, वाइट कलर है जैसे आप देख सकते हैं। अलायरिंग्स वगैरह और कंडीशन वगैरह के एतबार से अच्छी है गाड़ी, अंदर से भी देख सकते हैं डैशबोर्ड वगैरह की हालत अच्छी है। ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया गियर का, बाकी अंदर से आप गाड़ी देख सकते हैं अच्छी और मेंटेन गाड़ी है। तो वीडियो जितनी कोशिश करते हैं हम कोशिश करते हैं छोटी सी छोटी वीडियो बनाएं ताकि छोटी सी वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ अपडेट कर दें। पासो खड़ी हुई है आगे, एक नोट निशान नोट खड़ी हुई है, बाकी 1, 2, 3 मिनट्स खड़ी हुई है यहाँ पर और अंदर की गाड़ियाँ मैं आपको तकरीबन दिखा चुका हूँ। तो आई होप के आपको मज़ा आया होगा वीडियो में। फिलहाल अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को। वीडियो आपके लिए बनाई जाती है ताकि आप वो जो है इंजॉय करा सकें और कहाँ पे क्या माल खड़ा हुआ है ये चीज़ आपको दिखा सकें। तो अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।